नहीं ना जाग पाया भाई। तो तू नहीं जाग पाया तो वो तेरी गलती है भाई। हाँ भाई गलती हो गई, मैं सो गया और ये सब उस गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल की वजह से हुआ है। वो माधुरी ने मेरे सर पे उसी तेल से मालिश की और मैं सो गया। ये कौन सा तेल है? पहली बार नाम सुना है। तो भीरे भाई, माधवी भाभी ने आपके सर पे तेल की मालिश की और आप सो गए? अरे क्या हुआ बबीता जी, मैं दिन भर का थका हुआ था तो जैसे उसने मालिश की मुझे पता नहीं नींद लग गई, और ऐसी नींद लगी कि मैं डायरेक्ट सुबह ही उठा। पता नहीं कहां से लेकर आई थी वो हेलीकॉप्टर तेल। तेल बहुत अच्छा था। अच्छा आपने जो दिया ना, हाँ? मैंने भी इस्तेमाल किया। अरे वाह, चार बोतल दिया ना, सब बिक गई। अरे वाह, तो फिर और भेजता हूँ। हाँ हाँ करो। आप यहाँ खड़े, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ठीक है। जरा भाई 200 रुपए देना। हाँ हाँ, क्यों क्या हुआ? वो क्या है ना, कल टप्पू ने एक तेल की बोतल खरीदी थी। सेल्समैन पैसे लेने के लिए आया। हे भगवान, अब ये नया कंफ्यूजन। गेंदा छाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल। क्या? गेंदा छाप हेलीकॉप्टर तेल की बोतल टप्पू ने खरीदी थी? वो सेल्समैन कहाँ है? बाहर है। जरा उसे बुलाओ यहाँ। बोला बोला बोला। हाँ हाँ। हे भगवान, मुझे लगा था बात खत्म हो गई है, पर ये तेल वाला कहाँ से बीच में आ टपका? तेरी अब पूरे फंसेंगे। आइए अंदर बुला रहे आपको। जी चलिए। आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, तेल लीजिए श्रीमान। आयुर्वेद का चमत्कार आ गया है मचाने हाहाकार। कल किसी ने तेल लगाया कि नहीं? और लगाया तो नींद आई कि नहीं? हाँ मैंने लगाया था तेल। अच्छा तो आपको नींद आई कि नहीं? हाँ आई ना नींद। अरे वाह। अरे वाह का है, उसी वजह से तो प्रॉब्लम हुआ। श्रीमान नींद आना तो अच्छी बात है, हमारे प्रोडक्ट की यही तो खास बात है। अरे भाई एक मिनट, आपके तेल की वजह से ना इनका सखाराम गुम हो गया है। सखाराम? कौन सखाराम? मेरा स्कूटर सखाराम। अच्छा आपने अपने स्कूटर का नाम सखाराम रखा है? अरे भाई तुम अपने तेल का नाम हेलीकॉप्टर रख सकते हो तो ये अपने स्कूटर का नाम सखाराम नहीं रख सकता? अरे भाई ये लो, ये आपके 200 रुपये। चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं रुको 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 रुको। अरे लेकिन वो पैसे लेने आया था, पैसे दे दिए ना, अभी उसको रोक के कोई मतलब नहीं है। जाओ भाई जाओ। नहीं नहीं जेठालाल, अब्दुल ने क्या कहा वो तुमने ठीक से सुना नहीं। उसने कहा कि ये तेल की बोतल टप्पू ने खरीदी थी। तो? हाँ तो क्या, मामला साफ है। टप्पू ने बोतल खरीद के माधवी को दी, माधवी ने मेरे सर पे मालिश की और उसी वक्त सखाराम गायब हुआ। बेड़े यार तुम कहाँ 2+2 ऐसा ब्लॉक कर रहे हो यार, तुम अपने तर्क की गाड़ी बहुत गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो यार। नहीं नहीं मेहता साहब, अब तो गाड़ी सही ट्रैक पे आई है, अब तक गाड़ी भटक रही थी। अरे बेड़े तुम बिल्कुल गलत सोच रहा है दोस्त। ओ तेल की बोतल दरअसल टप्पू ने मुझे दी थी। अच्छा। हाँ तो जेठा जी आपने ही तेल की बोतल माधवी भाभी को दी थी? नहीं नहीं तेल की बोतल तो मैंने मेहता साहब को दी थी। यानी तारक आपने माधवी भाभी को तेल दिया? नहीं मैंने नहीं भाई, मुझे तो जेठालाल ने बोतल दी, मैंने बोतल छोटी को दे दी। छोटी मैंने? रोशन तेल की बोतल तूने माधवी भाभी को दी थी? हाँ सुनिए याद आया, तेल की बोतल मुझे मेहता साहब ने दी थी, पर वही बोतल मैंने हाथी भाई को दे दी थी। हाँ मुझे कब दी थी सोडी? अरे हाथी भाई आप भूल रहे हो, याद करो याद करो। अच्छा तो हंस तुमने वो बोतल माधवी भाभी को दी?
हाँ याद आया, मैंने ही दी थी शायद। कब दी थी? हाँ कब दी थी? दोपहर को। पर मैंने तो बॉटल शाम को बेची थी। अरे भाई आपको आपके पैसे मिल गए ना, फिर आप जाओ ना, पर क्यों खड़े हो यहाँ पे? किसी को तेल चाहिए तो? नहीं नहीं लेना भाई आपका तेल, तेल की वजह से तो सब प्रॉब्लम हुआ है भाई। ठीक है ठीक है, कभी नींद ना आए तो याद करना। आयुर्वेद का चमत्कार मचा के हाहाकार। अरे तू हाहाकार ही मचा के गया है भाई। हाय सल्ले काय गोंधळे, आप सबका कहना है कि आपने माधवी को तेल दोपहर को दिया और ये तेल वाला बोला कि शाम को दिया। अभी माधवी को फोन करके पूछना पड़ेगा सच क्या है। इतनी छोटी सी बात के लिए माधवी भाभी को फोन करने की क्या जरूरत? नहीं नहीं मेहता साहब, अभी सच तो मैं जानकर ही रहूंगा और माधवी तो बता ही देगी ना कि उसको बॉटल किसने दी थी, है ना? सब क्लियर हो जाएगा। भीरे भाई, माधवी भाभी और सोनू वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए, तो आप फोन करोगे तो उनको खामखा टेंशन हो जाएगा ना? हाँ बराबर है। एग्जैक्टली exactly. और भीड़े भाई वैसे भी हम हाउसवाइफ्स को ना रिलैक्स करने का मौका बहुत कम मिलता है, तो प्लीज आप माधवी भाभी को डिस्टर्ब मत कीजिए। मत कर भीड़े। और भीड़े भाई हम सब है ना आपके साथ, आप क्यों माधवी भाभी को परेशान कर रहे हो? सही बात है भीड़े मास्टर। मास्टर भाई आपने बड्डा माली ने तुम्हारे सखराम को ढूंढते हैं? वैसे भी 2 बजे तक ही तो ढूंढना है। मतलब 2 बजे तक? मतलब 2 बजे तक मतलब अगर 2 बजे नहीं मिला तो 3, 4, 5, 6 बजे तक ढूंढेंगे। जब तक सखाराम नहीं मिलेगा फिर हम सखाराम को ढूंढेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश सॉरी शाबाश। पीड़े तो बिल्कुल चिंता मत कर, आज तेरे सखाराम को हम ढूंढ के रहेंगे। तो माधवी भाभी को फोन मत कर बस। हाँ फोन करने की कोई जरूरत नहीं, सखाराम मिल जाएगा भाई मिल जाएगा। नहीं नहीं माधवी भाभी को फोन तो करूंगा ही मैं। माधवी को फोन तो करूंगा ही मैं। यस आत्माराम इज राइट, एक बार माधवी भाभी से बात करना जरूरी है। अरे यार भाई, बबीता जी ने खुद ने बोला है कि भाई माधवी भाभी सोनू दोनों एंजॉय करने गए हैं, तो उनको करने दो, उनको फोन करके क्यों परेशान करना, बराबर के नहीं? अरे हम पुरुषों को महिलाओं की पीड़ा समझनी चाहिए भाई। लेकिन ये पुरुष समझ ही नहीं रहे ना। बबीता जी मैं माधवी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना ही पूछूंगा कि उसको तेल की बोतल दी किसने। करेक्ट करेक्ट, ये लो आत्माराम, ये लो फोन लगाओ माधवी भाभी को। भीड़े भाई माधवी भाभी को फोन कर रहे ना तो सिर्फ तेल की बात पूछना, सखाराम गुम गए ना वो बिल्कुल मत बताना, वरना वो बिचारी वहाँ एंजॉय करे ना वो सब छोड़ के इधर वापस आ जाएगी। हाँ हाँ नहीं 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 बिल्कुल नहीं रोशन भाभी, मैं सिर्फ तेल के बारे में ही पूछूंगा। हाँ सत्यानाश, अब तो भीड़े को पता चल ही जाएगा कि तेल की बोतल टप्पू ने माधवी भाभी को दी थी। तुम दोनों सब इंतजार कर रहे, चलो। हाँ एक मिनट फोन। हेलो। हाँ सोनू बेटा मैं बाबा बोलते है। हाँ बाबा, बाबा हम पहुंच गए। अरे वाह वेरी गुड। अच्छा आई कहाँ पे है, जरा आई को फोन दो ना। बाबा आई तो आगे चली गई है, आप मुझे बताइए ना, मैं आई को बता दूंगी। सोनू बेटा मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आई ने जो मेरे सर पे कल मालिश की थी ना वो हेलीकॉप्टर तेल से। हाँ तो वो तेल की बॉटल आई को किसने दी थी? टप्पू ने। क्या? एक बेटा सुनू बेटा, अभी फिर से बोलना कि वो तेल की बोतल माधवी को किसने दी थी? टप्पू ने। ओके बेटा ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं आई को फोन करने को बोलती हूँ। नहीं 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 अभी जरूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है। हाँ तुम लोग एंजॉय करो, बाय। ओके ओके बाय। इन सारी बातों में एक बात समझ नहीं आई, जेठा भाई ने कहा कि उन्होंने तेल की बोतल तारक को दी थी, तारक ने कहा कि उन्होंने तेल की बोतल सोड़ी भाई को दी थी, और सोड़ी भाई ने कहा कि उन्होंने हाथी भाई को दी, और हाथी भाई ने वो तेल की बोतल माधवी भाभी को दी, पर अभी सोनू ने फोन पर ये कहा कि
माधवी भाभी को तेल की बॉटल टप्पू ने दी थी। करेक्ट है अंजलि भाभी, मैं भी यही कहना चाहता था, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है अभी। हाँ वो कंफ्यूजन नहीं है जी, ओ हम लोग तो गोकुलना वाले ना मजाक कर रहे थे। क्या रोशन? मैं भी मजाक कर रहा था, मैंने कोई बॉटल नहीं दी तेल की। मजाक थोड़ी, अभी भी मजाक ही कर रहे हो तुम लोग। सुबह से मैं परेशान हूँ, मेरा सखराम गायब है और तुम लोग मजाक सोच रहे हैं। माने या ना माने, लेकिन मेरे सखराम के गायब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टप्पू का ही हाथ है। अभी उसकी खबर लेता हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं टप्पू। अरे भिड़े सुन तो, टप्पू ये टप्पू, अरे टप्पू भाग जल्दी। अरे भाई भिड़े, तू टप्पू के पीछे हाथों के क्यों पड़ गया है? वो उसने कुछ नहीं किया है, तो पता चल जाएगा ना अभी। टप्पू क्या हुआ भिड़े अंकल? टप्पू जरा नीचे काम है। जेठा की तरफ क्या देख रहे हो? नीचे आओ, काम है। हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ। भीड़े अंकल बहुत गुस्से में लग रहे थे, शायद उनको पता चल गया। गोली और गोगी को फोन करता हूँ। हाँ बोल टप्पू। फ्रेंड्स भीड़े अंकल ने मुझे नीचे बुलाया है। पुत्रे मतलब भीड़े अंकल का तुझ पर डाउट आ गया? पता नहीं यार, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे। वही टप्पू, मेरे पापा ने कहा था कि 2 बजे तक सकाराम ठीक होकर आ जाएगा, और अभी अभी 11:30 बजे है। टप्पू कैसे भी करके हमें 2 बजे तक संभालना है, फिर कोई टेंशन नहीं है। नहीं फ्रेंड्स, अब बस हो गया। मुझे लगता है भीड़े अंकल को हमें सब सच सच बता देना चाहिए। अब भीड़े अंकल जो भी सजा देंगे वो मान लेंगे यार। नहीं 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 गोली, अब बहुत देर हो चुकी है। हमारे पापाओं ने हमारे लिए कितना झूठ बोला है। भीड़े अंकल का गुस्सा सा है, अगर हम भीड़े अंकल को सब सच बता देंगे तो हमारे पापा और मेहता अंकल झूठे साबित होंगे। फ्रेंड्स हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते। तो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, पहले नीचे जाता हूँ, देखते क्या होता है। नहीं नहीं टप्पू, तू टेंशन मत ले, हम भी तेरे साथ आएंगे। तीनों ने साथ में गलती की है तो सिचुएशन को फेस भी हम साथ में ही करेंगे। चल नीचे मिलता है, बाय। हाँ ओके, अब सब मुझे ही संभालना है। पक्का पता है मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? ये देखो मेहता साहब कैसे कैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है। भिड़े षड्यंत्र? नहीं नहीं भिड़े, ये तो ठीक नहीं है। इस परिस्थिति में षड्यंत्र शब्द का प्रयोग बिल्कुल उचित नहीं। मेहता साहब बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? क्या क्या षड्यंत्र? इसमें षड्यंत्र क्या है बताता हूँ ना। परसों रात को जब मेरा सखराम गायब हुआ था तब टप्पू सोसाइटी में नहीं था। कल रात को जब मेरा सखराम गायब हुआ तब भी टप्पू सोसाइटी में नहीं था। सबको पता है भाई, टप्पू सेना क्रिकेट में देखने गए थे, पता है कि नहीं भाई? सबको पता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल करेक्ट। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अरे हम सबको क्या, भिड़े को भी पता है? भिड़े तुम्हें पता है ना ये लोग मैच देखने गए थे। हो सकता है मेहता साहब के मैच देखने का सिर्फ एक बहाना हो, उस बहाने वो कुछ और ही कर रहे हो। और क्या बच्चे और क्या करेंगे? क्या करेंगे? पता चल जाएगा ना, आने दो टप्पू को, आने दो। मने नहीं लगे जो टप्पू ने कुछ किया होगा। एग्जैक्टली, ऐसे भी टप्पू को तो स्कूटर चलाना आता ही नहीं है। अब टप्पू आएगा उसके बाद ही पता चलेगा सच क्या। ए देखो, अरे ना बोला था फिर भी क्यों आया? ओह टप्पू के साथ साथ पूरी सेना भी आ गई। बेबी गोगी क्या हुआ भिड़े अंकल? अभी पता चल जाएगा। हे भगवान बचा लेना, पर्दा फास्ट हो गया तो मैं सोसाइटी में सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। टप्पू अरे भिड़े छोड़ना भाई, तेरा सखाराम सही सलामत है। आपको कैसे पता? नहीं सही सलामत होगा।
मेरे कहने का मतलब है सही सलामत ही होगा। तू ऐसा ही सोच के सही सलामत है, सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे बेटे। सही बात है। नहीं नहीं मेहता साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और मैं ये जान के रहूंगा, सबको पता चल जाएगा। अभी टप्पू मुझे बता, वो गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल तुमने खरीदा था? अरे भिड़े, वो तो पता चल गया ना भाई। जेठालाल जेठालाल, एक मिनट एक मिनट। डोंट वरी पापा, मैं जवाब देता हूँ ना, पूछे भिड़े अंकल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो तेल की बोतल तुमने माधवी को दी थी? हाँ। सुना सबने? सुना ना? अभी इतना सब कुछ बोल दिया तो ये भी बता दो कि वो तेल माधवी को तुमने क्यों दिया था? टप्पू, मैंने पूछा वो तेल की बोतल तुमने माधवी को क्यों दी? वो अंकल, कल सखाराम के लिए आप बहुत परेशान थे ना, और सखाराम पर नजर रखने के लिए रात भर जागने भी वाले थे, तो आपको टेंशन में देखा तो मुझे भी टेंशन हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि आपका टेंशन दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। और वो तेल की बोतल तो मैंने पापा और दादाजी के लिए खरीदी थी, फिर मुझे ख्याल आया कि तेल की बोतल मैं माधवी आंटी को दे देता हूँ, ताकि वो आपके सर में मालिश करे तो आपको रिलैक्स फील हो, आपको अच्छा लगे। हाँ, और फिर मैं सो जाऊं और फिर तुम सकारम को गायब कर दो। ए, 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 भाई भिड़े, बस ये अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो बोल रहा है कि तेरा टेंशन कम करने के लिए उसने तेल माधवी भाभी को दिया, उसको तेरी फिकर है और तू उस पे आरोप लगा रहा है। आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं जेठालाल, जो सच है वही बोल रहा हूँ। मुझे सुलाने के लिए टप्पू ने माधवी को तेल दिया था, ताकि मैं सो जाऊं और उसे सकराम को गायब कर दिया। अरे क्या गायब कर दिया, गायब कर दिया? टप्पू तेरे सामने खड़ा है, गायब कर दिया तो कहाँ है सकराम, उसकी जेब में? हाँ भिड़े भाई, सकराम को गायब करके टप्पू का क्या फायदा? देखो ना भिड़े, समझ ही नहीं रहे बबीता जी। मैं सब समझ रहा हूँ जेठालाल। अरे तू समझ गया होता तो बच्चे को बुला के बच्चे जैसे सवाल नहीं पूछता। सही बात है। बच्चा? 6 फुट का कोई बच्चा नहीं होता, बड़ा हो गया है वो। हाँ बड़ा हो गया, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो गया कि तेरे सखराम को गायब कर दे। अरे तुम बात तो किसी और दिशा में ले जा रहे हो, तुम बिल्कुल उल्टा समझ रहे हो। नहीं नहीं मेहता साहब, मैं कोई उल्टा नहीं समझ रहा हूँ, मुझे उल्टा समझाया जा रहा है। अरे कोई तुझे उल्टा नहीं समझा रहा है भाई, तू अपने आप सब उल्टा समझ रहा है। ए चेटिया, क्या हुआ, क्या चल रहा है ये सब है? अरे मैं मंदिर गया तभी तो सब ठीक था, अचानक क्या हो जाता है तुम सबको? और भिंडी मास्टर, तू लोनावाला से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? नहीं नहीं चाचा जी, मैं लोनावाला गया ही नहीं। और अच्छा हुआ नहीं गया। हाँ चाचा जी, अगर जो आत्माराम लोनावाला जाता तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि सकाराम गायब हो गया। सकाराम गायब हो गया? हाँ चाचा जी, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे सकाराम के गायब होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ टप्पू का ही हाथ है। पुन्नी मास्टर, तुझे वैकेशन में टप्पू पे आरोप लगाने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है? देखो चाचा जी, मैं आपके पैर छूता हूँ। देखिए अब आप ही न्याय कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ चाचा जी। परसों रात को मेरा सखाराम गायब हुआ था, तब टप्पू सोसाइटी में नहीं था। मेरे सखाराम पे कीचड़ लगना, उसका किलोमीटर का आंकड़ा बनना, पेट्रोल का कम होना, कोई माने या ना माने, लेकिन मेरे सखाराम को जबरदस्ती यहाँ से ले जाया गया था। कल रात भी सखाराम गायब हुआ है, और कल रात को भी टप्पू यहाँ पे नहीं था। मुझे पूरा शक टप्पू पर ही है। अरे शक है तो क्या सबके सामने सवाल पूछ पूछ के टप्पू को परेशान कैसे रहेगा? कल भी सवाल पूछ पूछ के टप्पू का सर खा गया, अभी भी सवाल पूछ पूछ कर रहे हैं। तेरा शौक है कि खत्म ही नहीं हो रहे।
अभी खत्म हो जाएगा चाचा जी, अभी खत्म हो जाएगा। चाचा जी मैं टप्पू को सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूँ। हे भगवान हमारी रक्षा करना, अभी ईश्वर ही रक्षा कर सकता है हमारी। आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, क्योंकि जेठालाल सोढ़ी डॉक्टर हाथी और मैंने सपने में भी जिस परिस्थिति की कल्पना नहीं की थी वो परिस्थिति आ गई है। भिड़े ने टप्पू को चंपक चाचा के सामने खड़ा कर दिया है और पूछने वाला है दो सवाल। सखाराम का रहस्य जानने के लिए सिर्फ दो सवाल, ऐसे दो सवाल जिनसे सखाराम का राज खुल जाएगा और ये राज राज नहीं रहेगा। और टप्पू है चंपक चाचा के सामने, उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ टप्पू। सोचिए वो टप्पू जो चंपक चाचा से कभी झूठ नहीं बोलता, उसे उनके सामने इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, यानी उसके पास सच बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और अगर टप्पू ने सच बोल दिया तो हम सब फंसेंगे। भिड़े सारे रिश्ते नाते भूल के अपने रौद्र स्वरूप में आ जाएगा और भिड़े के गुस्से की सुनामी से सारा गोकुल धाम बह जाएगा। चिंता, भय, दुविधा, कुंठा, उत्कंठा, मंथन, सारी ही परिस्थितियां, सारे विचार इस वक्त अपने चरम पे है कि क्या होने वाला है। दो सवाल टप्पू से पूछे जाने वाले हैं, इधर चंपक चाचा, इधर टप्पू और भिड़े के दो सवाल, और इन सवालों का जवाब टप्पू कैसे देगा। इस वक्त परिस्थिति ऐसी है जैसे किसी बैट्समैन को दो बॉल में 12 रन चाहिए हो। अब देखना यह है कि टप्पू इन दोनों बॉलों में सिक्सर लगाता है या किसी बॉल पे आउट हो जाता है। जो भी होगा होगा बेहद रोमांच उठा आपके साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं टप्पू को सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि टप्पू आपके सामने कभी झूठ नहीं बोलेगा। मुझे सिर्फ टप्पू को दो सवाल पूछने की इजाजत दीजिए प्लीज। चाचा जी सिर्फ दो सवाल प्लीज। उसे दूध का जोरा पानी का पानी हो जाएगा, मेरी शंका का समाधान हो जाएगा। चाचा जी तमे लोगों ने सू लागे छे, चाचा जी टप्पू से सवाल पूछने देंगे? हाँ पर भिड़े भाई का डाउट क्लियर होना जरूरी है। अरे पर कोमल भाभी अब भिड़े भाई कौन से दो सवाल पूछेंगे? वो तो पता नहीं पर लगता है अभी सखाराम का पता चल ही जाएगा। ठीक है पूछ ले, कर ले तसल्ली। थैंक यू चाचा जी। अब तो टप्पू को सच बताना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। चाचा जी आप जरा ऐसे खड़े रहना, टप्पू या ऐसे खड़े रहो। जेठालाल तुम जगह पे खड़े रहो, वहां मैं देखता हूँ क्या। नहीं कोई देखने की जरूरत नहीं है, वहां पे खड़े रहो। एक मिनट शांति से बोल भाई। उसका जवाब चाचा जी की आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल सच सच देना। हाँ भीड़ अंकल मैं जो भी कहूंगा सच ही। मेरी तरफ देख, चाचा जी को देखो, मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। पूछिए भिड़े अंकल। सबको लगता है कि कल तुम मैच देखने गए थे, लेकिन मैं जानता हूं कि सच कुछ और ही है। तो टिपेंद्र जेठालाल गड़ा, अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरे सखाराम के बारे में जानते हो? मैं आपके सखाराम के बारे में जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ, जानता हूँ। सुना गोकुलधाम की जनता ने सुना ना क्या बोला उसने? हाँ सुना। टप्पू मेरे सखाराम के बारे में जानता है। अब दूसरा सवाल ये बताओ कि इस वक्त मेरा सखाराम कहाँ है? मर गया।
टप्पू ने सच बोल दिया तो हम सब फंसेंगे, लेकिन अब तो उसको सच बोलना ही पड़ेगा। टप्पू, मैंने पूछा मेरा सखाराम इस वक्त कहाँ है? टप्पू, मैं जानता हूँ कि तुम चाचा जी के सामने झूठ नहीं बोल सकते। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे मेरा सखाराम इस वक्त कहाँ है? गैरेज में। गैरेज में? अरे इसने तो बोल दिया, मर गए। हो गया सब खत्म। भाई जॉनी, सुबह से हम सखाराम को ढूंढ रहे हैं और टप्पू को मालूम है कि सखाराम गैरेज में। सखाराम गैरेज में कैसे हो सकता है? नहीं नहीं बबीता जी, टप्पू चाचा जी की आंखों में देखकर कह रहा है कि गैरेज में है, तो सखाराम गैरेज में होगा। सुना, सबने सुना नहीं से क्या कहा? इसको पता है मेरा सखाराम गैरेज में। अब ये भी बता दो कि मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है? भिड़े, तूने सिर्फ दो सवाल पूछने की इजाजत मांगी थी बापूजी से, ये तीसरा सवाल हो रहा है। नहीं नहीं पापा, भिड़े अंकल को पूछने दीजिए। अरे हाँ, गाल करिया तने तो शांति हुए ना पापा। पापा चिंता छोड़ियो ने, भिड़े अंकल आप सवाल पूछिए। हाँ तो पूछना रहा। तो कसला काई गरज है? गरज नहीं, गैरेज है, गैरेज। सखाराम गैरेज में तू जाके उड़ जा। पता मुझे मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है, और सच सच बताना। भिड़े अंकल मैं सच ही कहूंगा, मैं आप ही का तो स्टूडेंट हूँ, जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा है। वेरी गुड, तो बताओ मेरा सखाराम गैरेज में क्यों है? बहुत सिंपल है भिड़े अंकल, देखिए हो सकता है कि आपका सखाराम चोरी हो गया हो, और अगर चोरी हो गया हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। जिसने भी सखाराम को चुराया होगा, या तो वो उसके पार्ट्स बेचकर पैसे कमाएगा, या फिर सखाराम का कलर चेंज करके उसे चलाएगा ताकि किसी को पता ना चले। और ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज में आपका सखाराम अभी गैरेज में होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपका सखाराम गैरेज में है। वाह वाह टप्पू, क्या जवाब दिया है, झूठ भी नहीं बोला और सच भी नहीं बोला। अच्छा लगा। बस भिंडे मास्टर, हो गई ना तसल्ली, पता चल गया ना कि तेरा सखाराम कहाँ है। तेरा सखाराम चोरी हो गया। मेरा सखाराम चोरी हो गया। मेरा सखाराम चोरी हो गया। मेरा सखाराम, सखाराम कौन लेके गया? मेरे सखाराम को कौन लेके गया? अरे कहाँ गया तू सखाराम? भिड़े भाई, कौन लेके गया मेरे सखाराम को? संभालिए अपने आप को। भिड़े भिड़े, अरे सखाराम चोरी हो गई। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। कैसे मिला? चोरी किसने चोरी की मेरे सखाराम की? सॉरी भिड़े अंकल, आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और सबकी वजह मैं हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ कर भी नहीं सकता, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमने कभी सोचा नहीं था कि सखाराम के साथ ऐसा होगा। सो सैड कि ऐसा हो गया। अभी क्या लगता है, सखाराम मिलेगा कि नहीं? मेरा सखाराम नहीं मिलेगा, ऐसे मत बोलो रोशन भाभी, मुझे मेरा सखाराम चाहिए। मुझे मेरा सखाराम वापस चाहिए। मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। अरे तू ऐसे बैठ के रोता रहेगा तो थोड़ी सखाराम मिल जाएगा। क्या करूं बे चाचा जी? तू एक काम कर, जा पुलिस स्टेशन जा,
कंप्लेन कर, तेरा सकारम मिल जाए। अरे बापूजी, आपने क्या बोल दिया? पुलिस स्टेशन का क्यों बोला? अभी हम लोग फिर से फंसेंगे। पुलिस स्टेशन? आदरम, चाचा जी इज राइट, हमको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो चलो, चलो, चलो। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ कि पुलिस स्टेशन जाना बहुत भारी कदम है, तो सोच समझ के उठाना पड़ेगा, नहीं बता सब? हाँ बिल्कुल। अरे भाई, हम लोग पहले अपने स्तर पे ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम लोग थोड़ी मेहनत करते हैं, और फिर अगर नहीं मिला तो फिर चले जाएंगे पुलिस स्टेशन। बराबर, सही बात है। पहले आजू बाजू ढूंढते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, जितना ढूंढना था ढूंढ लिया, जितना पूछना था पूछ लिया, जितना देखना था देख लिया, अभी डायरेक्ट एक्शन पुलिस स्टेशन। हाँ, भिंडी मास्टर सही कह रहा है, चलो चलो चलो। चलो चलो चलो, रोकिए मेहता साहब, इनको रोकिए। पर कैसे? मुझे पता होता तो आपको क्यों बोलता मेहता साहब। अरे सुनिए सुनिए, रुको, मेहता साहब कुछ बोल रहे हैं। क्या हुआ, क्यों रुकना है? देखिए, इतने सारे लोग पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे, इतने सारे लोगों का काम नहीं है पुलिस स्टेशन में। क्यों भाई, सब जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में थोड़ा वजन बढ़ेगा। अरे पोपट लाल, तुम्हारे लिए लड़की देखने थोड़ी जा रहे कि बड़ी फैमिली को देख के लड़की वालों पे वजन पड़ेगा। सिर्फ कंप्लेन लिखवाने जाना है भाई, उसमें सबको आने की जरूरत नहीं है। मैं और सोडी जाके लिखवा के आते हैं। सही बात। नहीं नहीं, मैं तो आऊंगा ही। अरे मैं तो आऊंगा ही क्या, वरघोड़ा थोड़ी निकल रहा है पोपट लाल। वरघोड़ा मतलब? वो जान निकलती है ना। जडेलाल, किसका जान निकल जाए? दूल्हे का। दूल्हे की जान तो दूल्हे की निकलती है ना भाई। लेकिन क्यों? पोपटलाल, जो तुम समझ रहे हो वो वाली जान की बात नहीं कर रहा है जेठालाल। जान मतलब वेडिंग प्रोसेशन, बारात है ना जेठालाल। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे सीधे सीधे बोलो ना भाई, जान बोल के तो तुमने मेरी जान निकाल दी थी। हाँ तो बबीता जी, वो जो दूल्हा नहीं घोड़ी पे बैठता है और शादी के लिए जाता है, तो सब रिश्तेदार आसपास वो नाचते नाचते जाते हैं, उसको वरघोड़ा बोलते हैं। वो तो मेहता साहब ने वो बारात बोला ना, तब समझ गया था जेठालाल। अरे यहाँ पे मेरी जान जा रही है जेठालाल, तुम्हें उस जान की पड़ी है। नहीं नहीं, वो तो मैं बबीता जी को खाली समझा रहा था, उन्होंने पूछा ना वरघोड़ा मतलब, तो वो समझा रहा था वरघोड़ा मतलब क्या है। चलो चलो चलो। अरे अरे अरे, भिड़े भिड़े, तू माता क्यों? अरे भाई, तू सुबह उठा तब से धूप में भागा दौड़ी कर रहा है, थक गया होगा, जरा आराम कर ले वरना बीमार पड़ जाएगा। नहीं आती भाई? सही बात है। भिड़े मास्टर, जरा मुंह खोलना। हाँ नहीं, आ जीभ दिखाना, ऐसे। अरे बाप रे, तो बहुत अंदर हिट जमा हो गई है। अरे बाप रे, जीभ खुली, तुम्हारा सर खुला, बाहर जाओगे तो सन स्ट्रोक हो सकता है भाई। ओ बिड़े, नहीं नहीं नहीं, मत मत आ भाई, मत आ, तू यहाँ रह के आराम कर भाई, सोसाइटी को तेरी जरूरत है। हाँ बिड़े, सबसे पहले शरीर यार, तुम यही रुको थोड़ी, तुम और जेठालाल जाओ। हाँ मैं। बिड़े, तू चिंता मत कर, मैं भी जाता हूँ। अरे भाई, तुमको क्यों आना है पोपटलाल? अरे भाई, सखाराम चोरी हुआ है, मैं पत्रकार हूँ, मेरा आना जरूरी है। पप्पू, तू नहीं आएगा तो भी चलेगा? क्यों, मेरे आने से कोई परेशानी है? अरे हमको क्या परेशानी हो सकती है छोटी? नहीं मतलब, परेशानी तुमको होगी पोपटलाल। कल पूरी रात तुम काम कर रहे थे, सोए नहीं हो, है? तो अभी घर जाके आराम करो, सो जाओ शांति से, क्या वरना तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं आती भाई? सही बात है पोपटलाल, यहाँ आना, जीभ दिखाना। नहीं आती भाई, इट्स ओके। और जेठालाल, मेरी चिंता करने के लिए थैंक यू, लेकिन इस वक्त क्या है ना, मेरे आराम से ज्यादा जरूरी सखाराम का मिलना है। तो तुम्हारे आने से सखाराम मिल जाएगा? क्या है ना, मैं पत्रकार हूँ, कंप्लेन करते वक्त मैं रहूंगा तो वजन बढ़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है पोपटलाल,
मुंबई पुलिस बहुत बेचारे निष्ठा से काम करती है, वो लोग भेदभाव नहीं रखते कि पत्रकार है तो उनको जरा ज्यादा भाव दो, आम आदमी है तो उनको थोड़ा कम भाव दो, ऐसा नहीं होता। अरे ये जेठाला तुम क्या चर्चा कर रहे हो, कब से जाओ ना जल्दी। चलो 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 भाई चलो 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 चल चल छोटी चलो जाओ। अच्छा जेठालाल मैं तुम्हें सकराम की डिटेल्स फोन पे फॉरवर्ड करता हूँ। पर हाँ वो कंप्लेंट की कॉपी लाना मत भूलना। तुम टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ ना साथ में। चलो 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 भाई चलो चलो। गणपति बाप्पा मेरे सखाराम को मुझसे जल्दी मिला देना। डॉक्टर आतिक एक काम कीजिए, आप भिड़े और बाकी सब लोगों को समझा के मेरे घर ले जाइए, मैं टप्पू सेना को यहाँ से भेजता हूँ, क्योंकि टप्पू अगर भिड़े की आंखों के आगे रहा तो भिड़े को बहुत गुस्सा आएगा। सही बात है ना? मैं क्या कहता हूँ भिड़े मास्टर कि वो लोग गए हैं कंप्लेन करने, टाइम तो लगेगा लौटने में, और धूप बहुत तेज है, सनस्ट्रोक हो सकता है तुम्हें, तो मेहता साहब के यहाँ चल के बैठते हैं सभी लोग। क्यों मेहता साहब आपके यहाँ बैठे? अरे पूछने की बात है क्या? हाँ जरूर जरूर चलो ना, वहीं बैठते हैं, इंतजार वहीं करते हैं। आइए चाचा जी, आइए आइए आराम से बैठिए। चलो टप्पू टप्पू गोली गोगी बच्चों आप लोग ये काम करो, आप लोग जल्दी से घर जाओ, क्योंकि भिड़े की नजरों के सामने रहे तो और टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है अंकल। मेहता अंकल हमें बहुत बुरा लग रहा है, हम लोगों की वजह से आप लोगों को कितना टेंशन हो गया, पापा और आप सबको कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। हाँ बेटा भागा दौड़ी करनी तो पड़ ही रही है, लेकिन अब क्या करें, ये जो रायता फैल गया इसे समेटना तो पड़ेगा ना। जाओ तुम लोग। मेहता अंकल कोई भी बात के लिए टप्पू सेना की मदद की जरूरत हो तो हमें बता देना। छोटे सोड़ी फिलहाल तो आप लोग भिड़े की नजरों के सामने न आए, ये सबसे बड़ी मदद होगी। हाँ और कोई जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा, आप जाइए प्लीज। ओके ठीक है ठीक है चलो चलो चलो। मैं तंगल एक मिनट क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि स्कूटर तो हमें पता है कि गैरेज में, तो फिर पापा सोडी अंकल और पोपट अंकल सच में पुलिस स्टेशन जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो टप्पू, पुलिस स्टेशन कैसे जा सकते हैं वो? इतना ये है कि जेठालाल क्या बहाना बनाता है, क्या आइडिया लेके आता है वो। हाँ लेकिन पोपट अंकल भी साथ में गए ना, इसलिए ज्यादा टेंशन हो रहा है। तू और तेरे पापा दोनों ने सोसाइटी सर पे उठा रखी है। खैर तू चिंता मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा, अभी तुम जाओ जल्दी। हाँ ठीक ठीक है। पता नहीं जेठालाल सोडी इस पोपटलाल को कैसे संभालेंगे, ये पोपटलाल तो गुंदर की तरह साथ में चिपक गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मुझे पहले पिडू और अय्यर प्रा को संभाला, अब ये पोपू आकर बह गया, पता नहीं आज का दिन किमें जा रहे हैं। क्या करूं, इसको जो सच है वो बता दूं? अरे नहीं नहीं ये तो आईडी नंबर वन है, अभी कभी चालू जीप में से भिड़े को फोन करके सब बता देगा। जेठाबरा मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रहे हो? तू क्या सोच रहा है? हाँ की करना है फिर? कुछ तो करना पड़ेगा। किस बारे में? पुलिस कंप्लेंट के बारे में। अरे भाई पुलिस कंप्लेंट के बारे में सोचना क्या है, पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट लिखवाएंगे। नहीं वो तो बराबर है पोपटलाल, लेकिन मैं ये कह रहा था कि पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, सखराम बहुत जल्दी मिल जाएगा। हाँ जी डबरा मैंने भी ऐसे लग रहा है ना। भाई आप लोगों के लगने के चक्कर में वो चोर भिड़े के स्कूटर को लेके 9-2-11 हो जाएगा, जितना लेट करेंगे पुलिस कंप्लेंट करने में उतना स्कूटर मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। सॉरी चल 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 भाई तू पुलिस स्टेशन ही लेके चल। डबरा की करा स्टेशन ले ला। अरे नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं और क्यों नहीं नहीं? मतलब नहीं नहीं मतलब आप अभी नहीं जाते हैं, पहले जरा रास्ते में एक कप चाय पी के जाते हैं। छोटी आगे लेफ्ट में चाय की टपरी आएगी वहां जरा रोक लेना। हाँ जी डबरा। अरे भाई पुलिस कंप्लेंट करने के बाद चाय पी लेना। मुझे अभी चाय पीनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है? जेठालाल कंप्लेंट करना इम्पोर्टेंट है कि चाय पीना? चाय पीना तो थोड़ा जल्दी करना। अरे 2 मिनट लगेंगे पोपटलाल, चाय पीने में कितना टाइम लगेगा? हाँ छोटी तू पहले चाय की टपरी पे ले लेना। हाँ जी डबरा।
मैं क्या कहता हूँ, पोपटलाल को अभी हमें सब कुछ बता देना पड़ेगा। हाँ जेठाप्रा, मैनू भी यही लगता है ना। हाँ जा बता दे जेठाप्रा, तुसी दसो ना। छोटे तू बता, तू अच्छा बताता है। अच्छा जेठाप्रा, तुसी दसो ना, आप मेरे से भी अच्छा दसोगे? अरे मैं सच कह रहा हूँ। छोटे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरे कुछ नहीं, अच्छा वो आ गया, बैठ 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 बैठ, चाय पी। अरे तीन कटिंग देना। अरे भाई मुझे चाय नहीं पीनी है। अरे पोपटलाल यहाँ बहुत मस्त चाय मिलती है, यहाँ की चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। नहीं छोटी? हाँ जेठा ब्रो। हाँ थोड़ी थोड़ी पीना, मजा आएगा थोड़ी पीना। जेठालाल सोड़ी, तो मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है कि तुम दोनों के बीच कड़क मसालेदार चाय जैसी कोई बात उबल रही है। क्या बात है बताओ? छोटे पोपटलाल यहाँ तक आ ही गया है तो मुझे लगता है उसे बता देते हैं। हाँ जेठाप्रा, मैंने भी लगता है इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या बताना पड़ेगा? वही जो सच है। हाँ। क्या सच है? सखाराम का सच। सखाराम का सच मतलब? मतलब हमको पता है सखाराम कहाँ है। मतलब सखाराम चोरी नहीं हुआ? नहीं। मतलब तुम लोग भिड़े के साथ मजाक कर रहे हो? सखाराम को आप लोगों ने छुपाया? अरे नहीं। अरे तो सखाराम है कहाँ? छोटी बता दे जेठाप्रा, तुसी दसो ना। अरे बता ना सोड़ी, इससे इतना डर क्या रहा है? अरे इससे डरता कौन है? ये सोड़ी की है? नहीं कुछ नहीं, बैठ बैठ सोड़ी, तू बता। नहीं नहीं जेठाप्रा आप बताओ, सोड़ी तू बता, आप बताओ, तू बता, आप बताओ, तू बता, आप बताओ, इसी चक्कर में फंसे हुए हैं जेठालाल और सोड़ी। और बताना किसको है? पोपटलाल को, जो खुद एक जीवित बम है। भाई जेठालाल और सोड़ी की लड़ाई इस वक्त दो मोर्चों पे है, एक तो पोपटलाल को संभालना है और दूसरा पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। कैसे करेंगे? अगर पुलिस स्टेशन नहीं गए तो क्या होगा? क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में जाते ही भिड़े पूछेगा कि कंप्लेंट का क्या हुआ और कंप्लेंट की कॉपी कहां है। अगर पोपटलाल को बता दिया तो फिर पोपटलाल तो भिड़े को बता ही देगा और उसके बाद बॉम्ब फटेगा, यानी स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त तो मैं भी अपने परम मित्र जेठालाल की मदद के लिए वहां नहीं हूं, उनके फायर ब्रिगेड वहां पर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है चाय की इस टपरी पे चाय पीते हुए कोई ना कोई आइडिया जेठालाल के दिमाग में जरूर आएगा। चाय उनके दिमाग को ठंडा करेगी, लेकिन आइडिया क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मित्रों आपने कभी गरम गरम पकौड़ा खाया? एकदम गरम पकौड़ा। भाई जिस वक्त गरम पकौड़ा एकदम गरम हो ना, उस वक्त आपकी स्थिति बड़ी देखने वाले की होती है। ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। यही स्थिति इस वक्त जेठालाल की है कि क्या करे, बताए कि ना बताए, ना बताए तो क्या करे, पुलिस स्टेशन ना जाए तो भिड़े के सामने क्या बहाना बनाए, क्या आइडिया होगा। तमाम चीजें हैं, लेकिन हर चीज ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। दरअसल हम लोग हमारे बच्चों की वजह से फंस गए पोपटलाल। क्या किया बच्चों ने? कल रात को बच्चों से पीड़ू के सखाराम का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? बताता हूँ, बैठ बैठ। अरे वो कल रात को मेहता साहब का हमको फोन आया। टप्पू, गोली और गोगी इस वक्त तीनों पटेल नगर में राधे श्याम टी स्टॉल के पास है और किसी प्रॉब्लम में। हम दो रातों से पीड़े अंकल का स्कूटर सीखने आ रहे थे। हा? और आज सीखते सीखते हमसे एक्सीडेंट हो गया। अब इन लोगों ने गुनाह किया है तो इसकी सजा भी इनको मिलनी चाहिए। अरे भाई इस वक्त गुस्सा और बहस करने से कोई फायदा नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। तो यारो एक काम करते हैं, सखाराम को गैरेज में ले जाके रिपेयर करके वापस सोसाइटी में खड़ा कर देते हैं। आप फिक्र मत करो, कल दोपहर में 2 बजे तक आपको स्कूटर मिल जाएगा। अरे बाप रे, कैसे भी करके पीड़ू को हमको 2 बजे तक शांत रखना है। जेठालाल कल रात को तुमने मुझे फोन किया, तब तक ये एक्सीडेंट हो चुका था। हाँ हो गया था। तो तुमने मुझे रात को बताया क्यों नहीं? तुम आज दोपहर को 2 बजे आने वाले थे ना, इसलिए। अच्छा, इसलिए पूरा बिल तुम लोगों ने मेरे नाम पे फाड़ दिया। अरे भाई सोडी ने बताया ना 2 बजे तक हमें कैसे भी करके भीड़े को शांत रखना था, तो अभी मुझे सबसे बेस्ट रास्ता यही सोचा।
सॉरी। अरे क्या सॉरी, तुम लोगों के बेस्ट रास्ते के चक्कर में वो मुझे श्राप दे चुका है कि 5 साल तक मेरी शादी नहीं होगी। मैं अभी के अभी भिड़े को सब कुछ सच सच बता देता हूँ। बोल दिया, हो गया। ओए बेड़ा गर्क हो गया। ये क्या किया तुमने पोपटलाल? मजाक। हाँ, आप लोगों ने मेरी भावनाओं के साथ थोड़ा खेला तो मैंने भी आप लोगों की भावनाओं के साथ थोड़ा खेल लिया, हिसाब बराबर। अरे भाई मैंने भिड़े को कोई फोन नहीं किया है। ओए थैंक यू थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। तो अभी आगे क्या करने का सोचा है? वही सोचना है। एक काम करो, भिड़े को सब सच बता दो। अरे नहीं भाई, नहीं, भिड़े को सच नहीं बता सकते भाई। क्यों? अरे क्या क्यों, ये सखाराम गायब है, इस बात से वो सुबह से बावरा हो गया। तो अगर हमने उसको सच बता दिया कि सखाराम टूट फूट गया है तो वो सुन के तो वो शायद ना जी ना, उसे सच नहीं बता सकते। लेकिन बात को कब तक गोल गोल घुमाते रहोगे? 2 बजे तक। मेहता साहब का फोन। हाँ बोले मेहता साहब। हाँ जेठालाल, भिड़े पूछ रहा है तुम लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे या नहीं। अरे उसको वो आपका फोन स्पीकर पे है? हाँ हाँ स्पीकर पे फोन, भिड़े सुन रहा है ना? भिड़े यही है। हाँ मैं सुन रहा हूँ जेठालाल, बोलो। भिड़े बस रास्ते में ही है, हम लोग निकल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। ओके एक मिनट जेठालाल, मैंने जो बोला है वो कंप्लेंट की कॉपी को लाना मत भूलना। वो तो लाएंगे ही ना, लाएंगे। ओके चलो ठीक है ठीक, ओके ओके बाय बाय। अब कंप्लेंट की कॉपी कहाँ से लाओगे? हाँ जी उसके लिए कंप्लेंट करनी पड़ेगी। चलो जी कर देते हैं कंप्लेंट। अरे क्या कंप्लेंट कर देते हैं? आप पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करोगे तो पांडे जी सखाराम को ढूंढने निकल जाएंगे और ढूंढते ढूंढते सोड़ी के दोस्त के गैरेज पहुंच जाएंगे तो सोचा है क्या होगा? शुभाल। यस सर। ये वही स्कूटर है ना जिसकी चोरी की कंप्लेंट लिखाई गई? हाँ सर। खुशी का मौका है, मिठाई बटनी चाहिए। पहली बार हम गोकुल धाम का केस सॉल्व करने जा रहे हैं। यस सर। आपको पता है स्कूटर चोरी की है? ओ नहीं नहीं साहब जी, ये स्कूटर तो मेरे दोस्त रोशन सिंह सोडी खुद यहाँ छोड़कर गए हैं ठीक करने के लिए। रोशन सिंह सोडी जो गोकुल धाम में रहता है? हाँ जी रोशन सिंह सोडी। जिसकी बीवी पार्थी है? हाँ जी। एक बेटा भी है? बेटा है। उनका एक गैराज भी है? गैराज भी है। ओह माय गॉड, कब देखे गया वो स्कूटर? ओ जी कल रात नू। तब सोड़ी मेहता डॉक्टर हाथी और जेठालाल कल रात को यहाँ स्कूटर छोड़कर गए और सर बाद में उन्होंने चोरी की कंप्लेंट लिखवाई। ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, बट आई कैंसिल। सर सर इन चारों ने पुलिस को गुमराह किया, इस जुर्म में दे ऑल विल बी अंडर अरेस्ट। ना 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 ना, ओ मैंने अरेस्ट नहीं होना, ओए हमको कोई कंप्लेंट नहीं करनी है जी। नहीं नहीं छोटी, मैं क्या कहता हूँ, हम लोग अभी कंप्लेंट कर देते हैं, फिर कंप्लेंट की कॉपी मिलेगी ना, वो भिड़े को दे देंगे और फिर जब ही सखाराम आ जाएगा उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके बोल देंगे कि मिल गया सखाराम, बात खत्म। अरे बात खत्म नहीं होती है, बात शुरू होती है भाई। पुलिस हमारी मदद के लिए, टाइम पास के लिए नहीं है। हाँ होते हैं। आप लोग जाके बोलोगे कि स्कूटर मिल गया तो कांग्रेचुलेशंस बोल के छोड़ नहीं देगी, बहुत सारे सवाल करेगी। स्कूटर कहाँ से मिला? यही पास में ही मिल गया। तो सुबह क्यों नहीं मिला जब पास में था? तो हम लोग दूर ढूंढ रहे थे। जब स्कूटर पास में हो तो दूर ढूंढने की क्या जरूरत है? पुलिस का टाइम पास समझ के रखा है, लगता है तुम हमारा नाम भूल गए। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो अब इस केस की तहकीकात होगी, बहुत गहराई से तहकीकात होगी।
और जानते हो कौन करेगा तहकीकात? खुद इंस्पेक्टर चालू पांडे। छानबीन होगी, तहकीकात होगी, और जैसे उन्हें पता चलेगा कि स्कूटर आप लोगों ने ही गैरेज में दिया है, तो वो इंक्वायरी करने गैरेज में पहुंच जाएगी। तब सोचो क्या होगा। कल रात से लेकर आज दोपहर तक ये स्कूटर गायब था। क्या स्कूटर को पहचानते हो? हाँ जी साहब जी, ये स्कूटर तो मेरे गैरेज में रिपेयर हुआ है। वो मेरे दोस्त हैं रोशन सिंह सोडी, गोकुलधाम में रहते हैं, और उनके साथ वो जेठालाल, हाथी पाजी और मेहता साहब, वो लोग खुद आए थे रात को छोड़ने के लिए स्कूटर। गड़बड़, मतलब बहुत ही गड़बड़। थोड़ी मेहता, डॉक्टर हाथी और जेठालाल, इन चारों को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए। याद रखना, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे दंड। नहीं नहीं, मुझे दंड नहीं खाने। कहाँ फंस गए हम? आगे कुआ पीछे खाई, और पता नहीं कहाँ छिपी आप लोगों की परजाई। सॉरी, मेरा मतलब है कि पुलिस कंप्लेन की तो टेंशन, और अगर नहीं की तो भिड़े को ये कंप्लेन की कॉपी देने की टेंशन। ओ यारो, मैंने तो लग रहा है मैं कितने चला जावा और 2 बजे तो बाद ही आवा। अरे सोड़ी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उससे अच्छा तुम अपने मैकेनिक दोस्त को फोन करो, क्या पता स्कूटर ठीक हो गया हो तो स्कूटर लेके सोसाइटी चले जाते, सारा टेंशन ही खत्म। अरे पोपट लाल, क्या बात कही है तुमने? इतनी सामान्य, इतनी अच्छी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? लगा छोड़ी फोन लगा। थैंक यू पोपट लाल, अच्छा हुआ तुम हमारे साथ है। मैं तो हमेशा सबका अच्छा ही सोचता हूँ, बहुत भला आदमी हूँ मैं, फिर भी पता नहीं आप लोग मेरी शादी क्यों नहीं करवाते। अरे भाई, अच्छा है ना तेरी शादी नहीं हुई है। अगर शादी हुई होती तो फिर बच्चे होते तो देख ऐसे झमेले में फंसना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने बच्चों को बचपन से ही साइकिल, स्कूटर, गाड़ी सब सिखा दूंगा, ताकि ऐसे झमेले में फंसने की जरूरत ही ना पड़े। अरबीर, तुझे हो गया ना स्कूटर रेडी? पाजी, बस थोड़े काम चल रहा। वो कब तक रेडी हो जाएगा यार? पाजी 3 बजे तक हो जाएगा। 3 बजे तक रेडी होगा? 3 बजे? एक और घंटा बढ़ा दिया उसने। अरे लेकिन उसने तो बोला था ना छोटे की वो 2 बजे तक दे देगा स्कूटर। बेटा मैं गल करना। हरप्रीत पीरे, तूने तो कहा था कि 2 बजे तक हो जाएगा। ओ सॉरी पाजी, बोला तो था, लेकिन मशीन है ना, खुलती है तो काम तो निकलता ही है। और पाजी आप भी तो गैराज चलाते हो, आपको तो पता ही है सब। हरप्रीत पीरे, वो बहुत टेंशन है, और टेंशन में मेरी पत्ती गुल हो गई है। ऐसे भी करके जितना जल्दी हो सके स्कूटर को ठीक कर दे वीरे। ओ फिकर नोट पाजी, 3 बजे तक फुल एंड फाइनल रेडी हो जाएगा। लेकिन एक गल नहीं समझ आई, ये छोटे से स्कूटर ने आपको इतना क्यों परेशान कर रखा है? अरे ये स्कूटर कोई ऐसे वैसे इंसान का नहीं है, वो अपने शिक्षक है पिड़ू, और पिड़ू साहब का है। तू कैसे भी करके जल्दी से जल्दी स्कूटर ठीक कर यार। ठीक है पाजी, तुसी टेंशन ना लो, 3 बजे तक हो जाएगा, रखता हूँ। चंगा हरप्रीत वीरे, डेढ़ा सखाराम तो 3 बजे मिलेगा, उनकी करेंगे। यार यहाँ एक एक मिनट निकालनी मुश्किल है, पूरा 1 घंटा बढ़ गया। अब तो कोई चमत्कार ही आप लोगों को बचा सकता है। चमत्कार? चमत्कार क्या होता है? जो हम जानते हैं? नहीं, जो हम नहीं देखते, लेकिन वह जरूर होता है। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। क्या ये चमत्कार नहीं है? बम बम भोले, मस्ती में डोले, ज्योतिष विद्या सारे राज खोले। बाबा, 1 हफ्ते से मेरी पत्नी गुम हो गई है, पुलिस में गया, फरियाद की, सब कुछ किया, मैंने भी बहुत ढूंढा, मिली नहीं रही है। जो खो जाता है उसे मिलना ही पड़ता है, ये सृष्टि का नियम है। बम बम भोले, मस्ती में डोले, और ज्योतिष विद्या सारे राज खोले। वाह बच्चा वाह, मेरे पास आ और अपना मस्तिष्क दिखा। कल दोपहर को ठीक 4:05:23 पर तुम्हारी पत्नी तुम्हें अवश्य मिलेगी। सच में बाबा? जय हो बाबा की, जय हो, कल्याण हो। मिल गया,
छोटे पोपटलाल, हमको भी आइडिया मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन जेडब्रा, आइडिया की है। ये बाबा को हम लोग भिड़े के पास ले जाते हैं और भिड़े को बोलेंगे कि ये बाबा बहुत ही चमत्कार एक भविष्यवाणी करते हैं, बहुत जोरदार ज्योतिष है। और बाबा अगर भिड़े को बोल देंगे कि बच्चा तेरा स्कूटर 3 बजे तक मिल जाएगा तो बात खत्म ना, टेंशन खत्म। इससे तो सारी टेंशन ही दूर हो जाएगी। ये तो सच में चमत्कार हो गया। चलो चलो बात करते हैं। चलो चलो चलो। ज्योतिष बाबा की जय हो। ज्योतिष बाबा की जय हो। आओ बच्चा, क्या समस्या है? बाबा, हमारा एक दोस्त है, बहुत परेशान है क्योंकि उसका स्कूटर गुम हो गया है। तो मिल जाएगा बाबा? ढूंढना नहीं है क्योंकि स्कूटर कहाँ है वो हमको पता है। तो समस्या क्या है? समस्या मैं बताता हूँ, क्या कि हमारे बच्चों की गलती की वजह से स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया है। हमने उसको रिपेयरिंग में डाला है गैरेज में, आज दोपहर को 3 बजे तक स्कूटर मिल जाएगा। और ये बात क्या है कि हमने हमारे दोस्त को बताई नहीं है और बता भी नहीं सकते क्योंकि वो स्कूटर को अपना बेटा मानता है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी आप हमारे साथ हमारे दोस्त के पास चलो और जैसे आप भविष्यवाणी कर रहे हो ना, ऐसे बड़ी आवाज में बोलना कि बच्चा तेरा स्कूटर सही सलामत है, दोपहर को 3 बजे तक तुझे वापस मिल जाएगा। वाह, जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। दुष्ट मनुष्य, तुम मुझे खरीदना चाहता है? नहीं नहीं, खुशी बैठ, खरीदना मैं कौन होता हूँ आपको खरीदने वाला। खुशी बैठ, आपको जो जो अच्छा लगे दे दूंगा। भाग जा, नहीं तो मैं भी तुझे भस्म कर दूंगा। अरे 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 जेठालाल, बाबा, हे बाबा, शांत हो जाइए। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको मालूम नहीं है बाबा लोगों से कैसे बात करते हैं। आप स्कूटर को छोड़िए, आप ये बताइए मेरी शादी कब होगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तू भी भाग यहाँ से, नहीं तो भी न जाने कहाँ से आ जाते हैं। ये क्या किया आप लोगों ने? उनकी विद्या का अपमान नहीं किया होता तो अभी बता देते वो मेरी शादी कब होगी। उनकी करिए, आइडिया तो फेल हो गया। नहीं नहीं छोटी, ये आइडिया फ्लॉप नहीं हुआ है। अभी क्यों? इसी आइडिया को हम काम पे लगाते हैं। क्या है, ये बाबा नहीं आता है ना सही, हम किसी और को बाबा बना के हमारे साथ ले जाएंगे। वाह वाह वाह, जेड़ा ब्रा, आइडिया तो हिट है। पर बाबा किन्नू बनाइए? ना बाबा ना, मेरे सामने मत देखो, मैं बाबा नहीं बनूंगा। अरे अरे अरे, पहले ही आप लोग मेरे नाम पर बिल फाड़ चुके हो। अगर अभी मैं इसमें पकड़ा गया तो मेरी आजीवन शादी नहीं होगी, ऐसा श्राप दे देगा भीड़। बेटा ब्रा, छोड़ो पोपुनु, तुसी बन जाओ। नहीं नहीं छोड़ी, मैं बाबा नहीं बन सकता। क्यों जेठा ब्रा? अरे भाई, तुम दोनों मुझे बाबा बना के अपने साथ ले जाओगे तो भीड़ तुरंत पूछेगा जेठालाल कहाँ है। तो मुझे लगता है कि हम तीनों में से कोई बाबा नहीं बन सकता। ऐसे करेक्ट है, हमें किसी और को बाबा बना के हमारे साथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन किसको ले जाए? को बनाए ज्योतिष बाबा करतारे? ना ना, सुंदर नहीं यार, वो भी मिल गया बाबा। अच्छा, कौन? नट्टू काका। नट्टू काका कर पाएंगे? हाँ। अरे भाई, बचपन से वो गांव में रामलीला ये सब करते हैं, बवाई बवाई बहुत की उन्होंने। ओहो, अच्छा, जबरदस्त कलाकार है वो। और दूसरी बात क्या, वो जहाँ रहते हैं ना उनके पास में एक नाटक वाला रहता है, उनका दोस्त है। वाह। तो ये सब कपड़े वपड़े सब भाड़े पे देता है, तो वो भी अभी अर्जेंट में मिल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर तो बढ़िया, बात करो बात करो। वाह, इसे कहते हैं छुट्टी का मजा। क्या मजेदार खाना है, मटर आलू की सब्जी, दाल फ्राई, गर्मा गर्म पूरी और रत्नगिरी आफूस कैरी का रस। देखने में इतना मजेदार है तो खाने में तो कितना मजा आएगा। हाँ, क्या कैरी के रस का टेस्ट है, जस्ट लाइक हेवन। अगर इस वक्त खाने में सेठ जी भी मेरे साथ होते तो उन्हें मजा आ जाता। अरे सेठ जी को याद किया और सेठ जी का ही फोन आया।
बोलिए सेठ जी, अभी आपको याद कर रहा था। ले क्यों? अरे रस पूरी खाने बैठा हूँ सेठ जी, रस देखकर आपकी याद आ गई। आइए आइए सेठ जी, गर्मा गर्म रस पूरी खाने के लिए आ जाइए। अरे नटू काका, यहाँ दौड़ा दौड़ करके पैर के घोटले चढ़ गए और आप रस पूरी खाने बैठे हैं? अरे सेठ जी, रस पूरी अकेले खाने का आनंद नहीं है, आप आ जाइए ना, आपके साथ खाने का मजा आएगा। क्यों अकेला खाने बैठा, भागा कहाँ? सेठ जी वो तो बेचारा सो रहा है, आपको मैंने बोला था ना रात को हॉस्पिटल जाता है। बोलो, हम सबको धंधे लगा के महाराजा बागेश्वर नाथ जी चैन की नींद सो रहे हैं। सेठ जी क्या सोच रहे हैं, आ जाइए ना रस पूरी खाने। बापू जी और टप्पू सेठ को भी लेते आइएगा। नटू काका, रस पूरी किसी और दिन खाएंगे, अभी तो मैंने आपको एक अर्जेंट काम के लिए फोन किया है। सॉरी सेठ जी, आज संडे है और संडे के दिन मैं काम की बात नहीं करता। दिस इज मी टाइम, ये समय मेरा है और मेरा समय मैं मुझसे किसी को भी नहीं छीनने दूंगा। अरे नट्टू काका, अगर अभी आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा सुख चैन सब कुछ छिन जाएगा। क्या हुआ सेठ जी, एनीथिंग सीरियस? सीरियस? अरे डबल तिबल चौबल सीरियस है नट्टू काका। ओ माय गॉश, व्हाट हैपेंड सेठ जी, माने क्या हो गया? बहुत लंबी कहानी है नट्टू काका। ठीक है तो मैं किट कटिंग है? मतलब टूक में समझाइए। टूक में कहूँ तो अभी सोसाइटी में वो भिड़े के सखाराम के गायब हो जाने पर मगजमारी चल रही है, और सखाराम जो गायब हुआ है उसमें हमारे बाघा का भी योगदान है। बाघा का? क्यों, बाघा ने क्या किया? अरे वो टप्पू सेना को क्या वेकेशन में स्कूटर सीखना था, तो हमारा ये बाघा बना उनका स्कूटर गुरु। तो पिछली दो रात से क्या? ओ माय गॉश, मतलब बागा ने मुझसे झूठ बोला? हाँ। वो पिछली दो रातों से हॉस्पिटल नहीं जाता था? नहीं। वो टप्पू सेना को स्कूटर सिखाने जाता था? हाँ। डिस्गस्टिंग। सेठ जी आप फोन चालू रखिए, मैं अभी उसे उठा के उसकी खबर लेता हूँ। नट्टू काका, अभी बागा को छोड़िए, आप एक काम कीजिए, फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचिए ज्योतिष बन के। क्या बन के? ज्योतिष, ज्योतिष बन के। ज्योतिष बन के मुझे क्या करना है? समझाता हूँ। अरे नहीं 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 सेठ जी, क्या बोल रहे हैं आप, ये मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन काम है, कुछ गड़बड़ हुई तो मैं फंस जाऊंगा। नट्टू काका, हम लोग यहाँ बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, एक आप ही है जो हमें बचा सकते हैं, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे लेकिन सेठ जी। नट्टू काका, आपको आपके आम रस पूरी की कसम। अरे क्या आम रस की कसम बोल रहे हैं सेठ जी, अरे आपकी बात सुनकर ये रस पूरी मुझे त्रास पूरी लग रही है। नट्टू काका देखिए, अगर आप हमारा ये काम कर देंगे ना तो हापुस करके रस से मैं आपका अभिषेक करूंगा। नहीं 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 सेठ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है नट्टू काका, आप तो जन्मजात कलाकार है। आप ही कहते हैं ना कि आपने बचपन से गांव में रामलीला भवाई बहुत की है, अलग अलग पात्र की है, तो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नट्टू काका, आपको आना ही पड़ेगा। अरे सेठ जी, छुट्टी के दिन आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए नट्टू काका, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। हाँ प्लीज। ठीक है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। अरे सोचने का टाइम नहीं है नट्टू काका, और आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे मैं रहूंगा, मेहता साहब होंगे, फिर हाथी भाई होंगे, सोडी होगा, पोपट लाल होगा, हम सब होंगे, तो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम संभाल लेंगे। आप तो बस भगवान का नाम लेके ज्योतिष की वेशभूषा में फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचिए, आगे आगे गोरख जाके। ठीक है सेठ जी, मैं पहुंचता हूँ। ओके, जल्दी जल्दी से जल्दी पहुंचे नट्टू काका। हाँ हाँ सेठ जी, मैं जल्दी पहुंचता हूँ बस। ओके, थैंक यू नट्टू काका। हे भगवान, छुट्टी के दिन बहुत बड़ा काम मुझे सौंपा गया है, मुझे ये काम पूरा करने की शक्ति देना भगवान। जय हो मेरे परम मित्र जेठालाल की जय हो। भाई क्या आइडिया निकाला है, मैंने आपसे कहा था ना कोई ना कोई आइडिया जेठालाल के दिमाग में जरूर आएगा, लेकिन क्या कमाल का आइडिया है भाई। नट्टू काका बन के आएंगे ज्योतिष और तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे, मतलब एक ही समस्या सखाराम वाली, इस समस्या का समाधान कर देंगे, एक तीर से दो शिकार।
भिड़े शांत हो जाएगा और दूसरी चीज वो पुलिस कंप्लेंट की कॉपी के बारे में बात ही नहीं करेगा क्योंकि अब तो जो कुछ कहेंगे वो ज्योतिष बने नटू काका कहेंगे। जीवन में जब आदमी निराश हो जाता है कोई उम्मीद नहीं होती मुसीबत में पड़ा होता है चिंतित होता है तब वो भविष्य देखने वालों का या ज्योतिष का सहारा लेता है। देखिए जब आदमी नाउम्मीद होता है ना तब उम्मीद की एक किरण भी सूरज की तरह लगती है। तमाम मुसीबतों से घिरा आदमी उसे कोई ये बता दे कि कल क्या होने वाला है तो उसे बल मिलता है ताकत मिलती है हिम्मत मिलती है राहत मिलती है और इस वक्त भिड़े को भी राहत मिलने वाली है और मुसीबतों से टकराने का साहस भी मिलने वाला है और बल भी मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इस वक्त जेठालाल के लिए ये है कि बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है और उसके लिए मुश्किल भी है कि वो गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के दिमाग में ये ज्योतिष वाली बात डालेगा कैसे। आपको क्या लगता है जेठालाल ये काम कर लेगा? मुझे तो लगता है कि बखूबी कर लेगा। अब देखिए मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं लेकिन इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि आपके चेहरों की हंसी रुकेगी नहीं क्योंकि ये बताने के लिए हमें किसी ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। वाह जेठा प्राव वाह, नट्टू काका को बाबा बनाने का मस्त आइडिया लेके आए तुसी। थैंक यू सोडी, अच्छा है भगवान सही समय पे अच्छा अच्छा सुझाव देते हैं। बस अब नट्टू काका कोई गड़बड़ ना करे वरना भिड़े तुम लोगों को सुझा देगा। अरे यार पोपटलाल कभी तो जिंदगी में सकारात्मक कुछ बोलो भाई, जब देखो तब नकारात्मक की बातें करते रहते हो। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि मैं एक नंबर का मजाकिया हूँ, सबको हंसते हंसाते रहता हूँ, तो मैं क्या नकारात्मक बातें करके सबको हंसाता हूँ? लेकिन अभी तो तुमने नकारात्मक बातें की ना छोटी। हाँ जी, तो फिर तुम ये भी बोल सकते थे कि कोई गड़बड़ नहीं होगी सब अच्छे से हो जाएगा, लेकिन नहीं तुमने क्या बोला? सॉरी। जेठालाल एक और सवाल पूछना था, नकारात्मक नहीं है और सकारात्मक भी नहीं है, सिंपल सवाल है। माना नट्टू काका सोसाइटी में आकर भिड़े को ये भविष्यवाणी करेंगे कि 3 बजे तक उसका सखारा मिल जाए, लेकिन मिलेगा कहाँ से और कैसे? उसके बारे में भी मैंने सोच रखा है पोपटलाल, क्या नट्टू काका बाबा बन के आए और अपनी भविष्यवाणी शुरू करें उसके पहले छोटी तुझे एक काम करना है, तुम अपने दोस्त हरप्रीत को फोन करके बोल देना कि सखाराम को वो सोसाइटी के पीछे बाजू लाके रख दे, फिर नट्टू काका अपनी भविष्यवाणी करेंगे कि बच्चा 3 बजे तक तुम्हारा स्कूटर तुम्हारा सखाराम तुम्हें यहीं आसपास से कहीं से मिल जाएगा ढूंढो, तो हम भिड़े को लेके ढूंढने निकल पड़ेंगे, आसपास ढूंढते ढूंढते भिड़े को हम लोग सोसाइटी के पीछे ले जाएंगे जहाँ पे सखाराम मिल जाएगा, भिड़े खुश हम खुश सब खुश बात खत्म। वाह जेठालाल वाह, एकदम हैप्पी एंडिंग लेके आए तुम। कहना पड़ेगा जेठालाल तू वो एक नंबर के तिकड़मबाज। अरे नहीं भाई नहीं, क्या तिकड़मबाज, ये तो बच्चों के लिए सब उल्टा सीधा करना पड़ता है भाई, बाकी मेरे जैसा सीधा आदमी तुमको कहीं मिलेगा नहीं। आ गलती है जेठापरा है ना? क्या ये गलती है जेठापरा? क्यों नहीं है क्या? अरे छोड़ छोड़ ना छोड़, तू फटाफट जल्दी गाड़ी चला भाई, हमको फटाफट सोसाइटी पहुंचना है। हां जेठा चल चल चल। अरे गए ये तीनों, मेहता साहब मेरा सकरा मिल तो जाएगा ना? अरे थोड़ी देर में मिल जाएगा। हाँ, थोड़ी देर में मतलब? मतलब थोड़ी देर, अरे भाई मुंबई पुलिस कितनी कर्मठ है भैया, मुंबई पुलिस तो चुटकियों में ढूंढ लेगी सकराम को, है ना, चिंता मत करो। लेकिन ये जेठालाल सोडी पोपटलाल अभी तक आए क्यों नहीं? अरे इतना पैनिक क्यों हो रहे हो भिड़े मास्टर? पैनिक कैसे नहीं होगा डॉक्टर आती, सोसाइटी से सकाराम गायब हुआ है। हाँ एग्जैक्टली, और ये कोई छोटी बात थोड़ी है। कौन लेके गया मेरा सकाराम को, कहाँ गया मेरा सकाराम? अरे भाई भिंडी मास्टर तू बैठ जा इधर। नहीं नहीं चाचा जी, मैं नहीं बैठने वाला। अरे बैठ जा बोला। अरे बैठ जा। क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं क्या, तू समझ ही नहीं रहा है तो मैं और क्या करूं, कब से घड़ी के लोलक की तरह यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा है। लोलक? अरे वो लोलक होता है ना वो, अरे वो नहीं, वो घड़ी के नीचे लटका हुआ होता है वो, जो यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से फिर वहाँ जाता है, अरे वो आता जाता रहता है ना वो। अरे भाई अय्यर, चाचा जी पेंडुलम की बात कर रहे हैं, घड़ी में जो पेंडुलम होता है ना वो, है ना चाचा जी? हाँ हाँ वो पेंडोला, वो पेंडोला की तरह कब से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा है, जरा शांति से बैठना भाई। चाचा जी जब तक तीनों पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आते तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे एक बात बता भिंडी मास्टर, तू अभी इस घड़ी और क्या कर सकता है? क्या मतलब? तो भाई मतलब ये कि तू ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकता है, सखाराम के बारे में सिर्फ सोच ही सकता है ना,
कि वो कहाँ होगा, किसने चोरी किया होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं टूट फूट तो नहीं गया होगा। जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई बिन्नी मास्टर, मैं तो शक्यता बता रहा हूँ। तू अभी सखाराम के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोच सकता है, बराबर? हाँ बराबर। हाँ तो भाई बुरा क्यों सोच रहा है तू? बुरा सोचेगा तो तू परेशान होगा, और तुझे परेशान देखकर हम सब परेशान होंगे। अरे सोचना ये तो अच्छा सोच ना, अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही होगा। सही बात है, हमको अभी सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। हाँ भिड़े भाई, चाचा जी सही कह रहे, प्लीज थिंक पॉजिटिव। यस, डोंट वरी भिड़े भाई, सब अच्छा ही होगा। नहीं नहीं, सब अच्छा ही होगा। हाँ पर हम पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। सकरम बिल्कुल सही सलामत होगा, सकरम को कुछ नहीं होगा, सकरम ठीक होगा, सकरम बिल्कुल ठीक होगा। अरे लेकिन मेहता साहब, बहुत देर हो गई है, ये तीनों अभी तक पुलिस स्टेशन से वापस क्यों नहीं आए? लगता है हमें भी जाना चाहिए। चलो। अरे भैया क्या कर रहे हो यार? भिड़े मास्टर वो लोग गए हैं ना भाई, और यहाँ हम तुम्हारे लिए तो बैठे हैं। हाँ। लेकिन हाथी भाई, कंप्लेन लिखवाने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, चलो चलते हैं। अरे भिड़े, इतना जज्बाती जज्बाती होने की जरूरत नहीं है भिड़े, जेठालाल छोड़ी और पोपटाल गए है ना। सही बात है। अच्छा मान लो हम लोग यहाँ से चले जाएं और वो लोग आ रहे हो, तो हम एक दूसरे से रास्ते में मिल ही नहीं पाएंगे, दोनों का टाइम वेस्ट होगा भाई। एक काम करते हैं, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ ना कि कहाँ है। हाँ पूछिए पूछिए। तू बैठो ना, बैठो। हाँ हेलो, तो अपने घर में नेटवर्क का इतना बड़ा प्रॉब्लम। हेलो, अरे मेहता साहब का फोन। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे क्या बोलो जेठालाल, इस वक्त तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी में चला हो। क्यों, अब क्या हुआ? क्या हो गया? क्या वो बेटा भिड़े खुद पुलिस स्टेशन जाने की बात कर रहा है? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, उसको कैसे भी करके समझाओ भाई, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या लग रहा है जेठालाल, मैं संभाल नहीं रहा हूँ क्या? इतनी देर से संभालने की कोशिश ही कर रहा हूँ ना। पर एक मिनट भी नहीं संभलेगा। अगर तुम्हारे आने में किंचित भी देरी हुई ना, तो वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाएगा। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, कुछ भी करके उसको सोसाइटी के बाहर निकलने मत देना, वरना सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कोशिश कर सकता हूँ जेठालाल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समझेगा। पर वो पोपटाल का क्या किया? हाँ साथ में ही, एक मिनट देता हूँ। जेठालाल ने मुझे सब सच सच बता दिया है। मैं भिड़े को संभालने की आपकी लड़ाई में पोपटलाल की पार्टी ने आपको समर्थन दिया है, मैं आपके साथ हूँ। अरे वाह, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू वेरी मच। जेठालाल को फोन दो जरा। हाँ मेहता साहब बोलिए। जेठालाल ये बहुत बढ़िया हो गया, पोपटलाल हमारे साथ हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। हाँ एक बात, जैसे ही तुम वापस आओगे भिड़े आते ही तुमसे कंप्लेंट की कॉपी मांगेंगे, तो मुझसे मत पूछना कि उस वक्त क्या बहाना बनाना है, मेरे पास कोई बहाना नहीं, अपना बहाना सोच के आना। नहीं नहीं सोच लिया है मेहता साहब, भिड़े को 3 बजे तक शांत रखने का जबरदस्त आइडिया मिल गया है। अरे 3 बजे तक क्यों भाई, स्कूटर तो 2 बजे मिलने वाला है ना। अरे नहीं, वो सोडी ने अपने दोस्त को फोन किया तो उसने बताया कि सखाराम 2 बजे तक नहीं 3 बजे तक तैयार होगा। गरीबी में आटा गिला, यहाँ उसे एक एक मिनट संभालना मुश्किल हो रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा और। नहीं नहीं पता है मेहता साहब, लेकिन अभी जो है वो है, हमको अभी मामला तब तक संभालना ही पड़ेगा। कैसे संभालेंगे जेठालाल 3 बजे तक, यार जरा सी देर भी संभालना मुश्किल हो रहा है भिड़े को। पुलिस स्टेशन आप लोग गए नहीं है, कंप्लेंट की कॉपी आपके पास है नहीं, भिड़े पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अरे जवाब अभी हम नहीं, वो एक धुरंधर ज्योतिष बाबा जवाब देंगे। क्या, कौन ज्योतिष बाबा? अपने नटू काका। नटू काका ने ज्योतिष का धंधा कब से शुरू किया? अरे नहीं नहीं, वो धंधा शुरू नहीं किया, क्या मेरे समझाने पे वो ज्योतिष बाबा बनने को तैयार हो गए, तो वो ज्योतिष बाबा के भेष में हमारी सोसाइटी में आएंगे और भिड़े को बोलेंगे कि बच्चा तेरा सखाराम तुम्हें 3 बजे से पहले पहले मिल जाएगा, कैसा रहा आइडिया? बकवास और क्या जेठालाल, दुनिया के सबसे ज्यादा घटिया आइडियाज की प्रतियोगिता हो ना, तो तुम्हारा ये आइडिया नंबर 1 आएगा, उसमें फर्स्ट आएगा। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, नट्टू काका ज्योतिष बाबा बन के आएंगे और नट्टू काका से जरा सी भी गलती होगी और भिड़े के सामने ये पर्दाफाश हो गया कि ये नट्टू काका है, तो भिड़े कैसे रिएक्ट करेगा, ये सोचा है तुमने? मेहता साहब आप ही हमेशा कहते हैं ना कि सकारात्मक सोचना चाहिए, अभी आप ही नकारात्मक बात कर रहे हैं। नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, गलती तो इंसान से ही होती है ना। मान लो ऐसी सिचुएशन में नट्टू काका से गलती हो गई तो? अच्छा चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि नट्टू काका गलती न करे, पर इस बात का क्या भरोसा कि भिड़े ज्योतिष की बात पे यकीन करेगा ही? क्यों मानेगा वो ज्योतिष की बात? नहीं मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, भले भिड़े ना माने, क्या है भिड़े के मानने ना मानने पे चर्चा तो चलती रहेगी ना।
तो हमको तो कैसे भी करके 3 बजे तक टाइम पास ही करना है। देखिए सुबह से हम लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और भगवान हमारा साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हम लोग क्या है कि दिल के बहुत अच्छे हैं, हमारे मन में कोई पाप नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं और बच्चे भी तो आखिर भगवान का रूप होते हैं, तो वैसे देखा जाए तो हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए ही कर रहे हैं ना। ठीक है भाई, जो भी है तुम जल्दी आओ, जल्दी, वो भीड़े अधीर हो रहा है भाई, जल्दी आओ तुम लोग। आ गए जी, आ गए। अरे लो मेहता साहब, हम लोग पहुंच गए। 2 मिनट क्या, अभी एक आधे मिनट। अरे अरे चलो आ जाओ जल्दी आओ। पर नट्टू काका कहाँ है? नट्टू काका हमारे साथ नहीं है, वो तो रेडियो के आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो, भीड़ अधीर हो रहा है भाई। चलो चलो। अरे अरे क्या हुआ जेठा भाई, कंप्लेंट लिखवा दी? हो गए सवाल शुरू। चलो अंदर चलो, बताता हूँ, अंदर चलो। आगे आगे, ये लोग आगे। मैं बोला था आगे आगे। जेठालाल क्या कहा पुलिस ने, सखाराम मिल जाएगा ना? कब तक मिल जाएगा? और वो सारी जानकारी थी कि नहीं सखाराम की? वो पुलिस की कंप्लेंट की कॉपी, वो दो मुझे। तुम्हारे पास है? वो कॉपी दे दो। थोड़ी क्या बोला पुलिस ने, ढूंढना शुरू किया कि नहीं इमीडिएटली? वो पेड़ो, अरे तुम लोग बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो? चाचा जी, अरे सब लोग एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? अरे बोला पुलिस ने क्या कहा, और वो कंप्लेंट की कॉपी कहाँ है? हाँ पर बापूजी अटके तो मैं कुछ बोलू ना। अभी अटक गया है ना, अभी तो बोल। भिड़े दोस्त, हम लोग पुलिस स्टेशन गए ही नहीं। क्या जेठा जी, आप सब लोग तो यहाँ से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले थे ना? हाँ हाँ बबीता जी, पर तू फिर गए क्यों नहीं पुलिस स्टेशन? ओ पिड़ो गलते सुन। अरे क्या गल सुनू सोड़ी, अब सकाराम गायब है, मेरी सांस अटकी पड़ी हुई है, और आप लोग चाचा जी आप बोल रहे थे कि शांत रहो शांत रहो, अभी ये देखो। बताओ भाई तुम लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? चाचा जी शांत हो जाइए, और भिड़े तुम भी शांत रहो भाई। अरे क्या फिर से शांत रहे, सुबह से कब बोल रहे शांत रहो शांत रहो, कब तक शांत रहूं मैं? तो क्या बोलू, नाचो मेहता साहब। हाँ किसी एक बार फिर करके दिखाओ। बुड्ढी तारक क्या हो गया है आपको? अरे क्या क्या है, अरे हद कर रखी है यार, सुबह से सकाराम ढूंढ रहे हैं हम लोग, सुबह से भागदौड़ मची हुई है सोसाइटी में, सोसाइटी को सर पे उठा दिया है, और आप लोग पुलिस स्टेशन का कह के जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाते नहीं है। अरे क्यों नहीं गए पुलिस स्टेशन, बताओ भाई भिड़े को बताओ क्यों नहीं गए? नहीं तक है, अभी थोड़ी देर पहले कंपाउंड में क्लियर बात हुई थी कि सकाराम मिसिंग है, ये पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, तो गए क्यों नहीं पुलिस स्टेशन? बीड़े दोस्त, हम लोग पुलिस स्टेशन नहीं गए तो कुछ सोच समझ के ही नहीं गए होंगे ना भाई? सही बात है। हाँ हम बच्चे थोड़ी ना है, सोसाइटी से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकले और फिर भूल जाए। बीड़े एक बार सुन तो लो, ये लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए? हा? ये लोग मतलब तुम भी तो गए थे इनके साथ। हाँ मतलब सुन तो लो कि हम लोग क्यों नहीं गए थे। टड्डन चाची बात है, एक वक्त कारण तो जान लेना चाहिए ना। हाँ भीड़े भाई, हो सकता है आपके फायदे की बात हो। बिल्कुल फायदे की बात। अरे पुलिस स्टेशन किसी के फायदे के लिए थोड़ी जाना था, कंप्लेंट लिखवाने जाना था, पर ये लोग पुलिस स्टेशन गए नहीं। वेरी बैड। अरे अभी बोलो क्यों नहीं गए? नहीं नहीं एक मिनट भिड़े, अय्यर भाई को बोल लेने दे, एक बार वो चुप हो जाए, बाद में बताता हूँ। ओके ओके जेठालाल, अभी मैं चुप हो गया, अभी बोल। नहीं नहीं आप बोलिए अय्यर भाई बोलिए। सुबह से आप मंडे हैं, जरा मैं कुछ बोला नहीं कि विरोध का झंडा लेके खड़े हो गए। बोलिए 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 अय्यर। हाता जी घड़ी तोंडर बोट, ये ऐसे रहो, अभी बोलना मत कुछ, बोलो जेठालाल बोलो। हाँ नहीं बेटा अभी नहीं बताऊंगा मैं। पर ये अलग क्या अर्थ है? और नहीं तो क्या भीड़ है, अच्छा भला मैं बोल रहा था बीच में यार भाई खाम खाम, अभी मुड़ गया मेरा भाई छोड़। ठीक
मैं ही जाके कंप्लीट करके आता हूँ। अरे रुक भाई रुक, चल तेरे लिए मुड़ को लाता हूँ वापस। और क्या क्या है, हम लोग यहाँ से पुलिस स्टेशन जाने के लिए रवाना हुए, बराबर। अभी रास्ते में जा रहे थे कि अचानक पता नहीं क्यों और कैसे और कहां से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हम लोग पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने जा तो रहे हैं, वहां जाके सखाराम की कंप्लेन लिखवा भी देंगे, लेकिन क्या उससे हमें सखाराम मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं, क्यों? क्या हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेन लिखवाएंगे, पुलिस कंप्लेन लिख भी लेगी, उसके बाद वो लोग छानबीन करेंगे, तहकीकात करेंगे, तो क्या ये सब में टाइम नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं दोस्तों? ऐसा तो है नहीं कि इधर हमने कंप्लेन लिखवाई और उधर सखाराम मिल गया, ऐसा थोड़ी होता है। क्या है कि ये सब में दो तीन दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे। दो तीन दिन? हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सखाराम दो तीन दिन बाद नहीं, दो तीन घंटे में मिल जाए। अरे वाह, और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सीधा फोन लगाया दया की माँ को। इसमें व्यवहार कहाँ से बीच में आ गई? हाँ, क्या संबंध है? बापू जी आपको तो पता है सासू माँ जटिल से जटिल समस्या का समाधान ढूंढने में एकदम होशियार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल बिल्कुल, अरे याद दी, अभी होली पे अय्यर के चेहरे पे जो परमानेंट रंग लग गया था, पक्का रंग, वो निकालने का आइडिया भी तो उन्होंने ही दिया था भाई। तो मैंने उनको फोन किया और उनको पूरी बात विगतवार बताई। वो सुन के उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, यह नंबर बहुत ही ज्ञानी, नामचीन और बहुत ही विद्वान बाबा का नंबर है, जिनका नाम है टुन बाबा। नाम में चमत्कार, पुटले बाबा, टुन बाबा। क्या है कि ये टुन बाबा की स्पेशलिटी ये है कि कोई भी खोई हुई चीज कब मिल जाएगी वो तुरंत बता देते। हाँ, तो मैंने बोला ये तो बहुत ही बढ़िया है, हम उनको यहाँ बुला के पूछेंगे कि भाई बाबा हमको बताओ ये हमारा सखाराम कब मिल जाएगा। अगर उनके बताने से हमें हमारा सखाराम मिल जाता है तो फिर तो पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ, हाँ, ऐसे बता देंगे ऐसे। अरे ना ना ना, इल्ले इल्ले, मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता, ऐसा कोई बाबा बता ही नहीं सकता। ये देखो बाबूजी, ये देखो फिर से विरोध का झंडा लेके खड़े हो गए। देखिए यार भाई, बता सकते हैं टून बाबा, सब कुछ बता सकते हैं, उनके पास ऐसी विद्या है। तुम्हें कैसे मालूम पोपटलाल? मैंने अपने अखबार में उनके बारे में आर्टिकल लिखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया बाबू, लेकिन सच कहो तो मुझे ये सब अंधविश्वास लग रहा है। अरे बेड़े, ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक प्रकार की स्पेशल विद्या है। बाबा में इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि वो घर में बैठे बैठे देख सकते हैं कि अभी अमेरिका में क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ? अरे वो तो मैं भी देख सकता है। हाँ, और अमेरिका क्या, जिधर का बोलो उधर का देख सकता है। क्या बोल रहे हो यार, कैसे? अरे टीवी पर, टीवी चालू करो सब दिखता है, उसमें बाबा की क्या जरूरत है। तो जरा अपना टीवी चालू करके देखो, उसमें सखाराम दिख रहा है, बोलो दिखेगा उसमें, या क्या मजाक चल रहा है? हम सब लोग मिलकर बिचारे भीड़े की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका मजाक सोच रहा है। पापा को नहीं बुलाया ना, मैं भी देख सकता हूँ टीवी चालू करके ने। Nonsense. जैसी बात कर रहे हैं बबीता जी, ये मतलब बाबा आएंगे ना तो देख लेना उनकी शक्ति। इतनी पावरफुल शक्ति है उस बाबा के पास, फिर तो वो बहुत ज्ञानी होंगे नहीं? हाँ अंजलि पापी जी, और जेड़ा बड़ा बता रहे थे पापा जी ने टुन होके हिमालय पे तपस्या की है।
टुन होके भक्ति में टुन होके भक्ति में टुन होके लेकिन ऐसा थोड़ी होता है जेठालाल किसी बाबा को ऐसी खोई हुई चीज दिख जाए ये थोड़ा सा मुझे तर्कहीन लगता है अरे भीड़े जहाँ तर्क खत्म होता है ना वहीं से अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत होती है अभी याद कर महाभारत धृतराष्ट्र संजय जी है याद है कि नहीं धृतराष्ट्र और संजय जी कहाँ थे महल में थे और युद्ध कहाँ हो रहा था छह कुरुक्षेत्र में फिर भी संजय जी ने महल में बैठे बैठे बिना देखे युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को बताया था कि नहीं सही बात है तो कैसे किया होगा बता अरे कुछ लोगों में ऐसी शक्ति होती है वाह जेठालाल वाह क्या बात सही जा रहे हो बिल्कुल बिल्कुल अरे कुछ लोगों में ऐसी शक्ति होती है अरे हमारी पौराणिक कथाएं तो भरी पड़ी है भाई कितने लोगों में ऐसी शक्ति आप याद करो अग्नि में होलिका जल गई लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं जले अब हाँ आप तर्क थोड़े ढूंढेंगे हैं बात तो तेरी सही है जेठा अरे हाँ जेठा भाई ने बात टड्डन साची छे हाँ ऐसी शक्तियां होती हैं हाँ वैसे कभी कभी ऐसी बातें तो सुनने को मिलती है न्यूज़पेपर में भी ऐसे चमत्कारों की बातें पढ़ी है तो भिड़े अगर तू इजाजत देता है तो मैं बाबा को यहाँ बुला लेता हूँ और हम उसको पूछ लेते कि भाई सखाराम कहाँ है और अगर बाबा के बताने से सखाराम मिल जाता है तो फिर पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं है देख भीड़े इतना सोच मत जितना टाइम तो सोचने में लगाएगा उतना सखाराम देरी से मिलेगा भाई नहीं 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 ठीक है जेठालाल तुम बुलाओ बाबा को दोस्तों भीड़े तैयार हो गया है टुन बाबा से मिलने के लिए उन्हें बुलाने के लिए जेठालाल ने बेहद होशियारी के साथ भीड़े के दिमाग में टुन बाबा वाली बात बिठा दी और एक बहुत धमाकेदार परिस्थिति की पृष्ठभूमि बन गई क्योंकि जेठालाल ने इस मैच में फैसला किया अपने सबसे सीनियर खिलाड़ी को उतारने का यानी कि नटू काका जो जलेबी की तरह सीधे हैं अब देखना यह है कि नटू काका क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं क्योंकि नटू काका को आप जानते हैं यहां परिस्थिति ऐसी है कि सुबह से मैं जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी बहानों के चौके छक्के लगा रहे हैं लेकिन अगर नटू काका ने एक गलती कर दी तो हमारे हाथ से मैच निकल जाएगा और सारी बाजी पलट जाएगी जिसकी पूरी की पूरी संभावना है अब देखना यह है कि नटू काका किस तरह से बैटिंग करते हैं क्योंकि भिड़े अपने सवालों के बाउंसर के साथ पूरी तरह तैयार होगा और गोकुलधाम निवासी भी कोई फ्री हिट नहीं देने वाले हैं तो अब क्या होता है आगे मैच बिल्कुल वैसा ही है जैसे आखिरी बॉल में जीत हार का फैसला होने वाला हो अब देखना यह है कि किस तरह से टुन बाबा बने ये नटू काका यहाँ गोकुलधाम में हंगामा करते हैं क्या होता है सखाराम का क्या होता है भिड़े का और क्या होता है हम चारों का बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.